Assalamualaikum, I'm Sonia. Welcome back to my channel. क्या हाल है आप सबके? आज मैं बहुत ही जबरदस्त और मजेदार हेल्दी सैलेड की रेसिपी लाई हूँ जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और आप लंच या डिनर में भी ये यूज कर सकती हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जो चीजें चाहिए होंगी उसमें है, सबसे पहले हाफ रेड कैबेज लिया मैंने, ग्रीन पेपर हाफ, येलो पेपर हाफ, रेड पेपर हाफ, हाफ लेमन, थोड़ी सी ग्रेटेड कैरेट्स ली हैं, रेडिश 8 to 9 पीस रेडिश के ले लिए हैं, हाफ वाइट अनियन, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। रेड कैबेज के पीसेस कर लेंगे। रेड कैबेज वेट लॉस में हेल्प करती है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है। और ये बेल पेपर्स जो हैं ये आई साइड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कैलोरीज भी बर्न करते हैं। इसको भी इस तरह से कट कर लेते हैं बारीक बारीक। अब रेडिश को इस तरह से हाफ करके इसके भी इस तरह से कट करेंगे। रेडिश जो है अगर आप इसको यूज़ करें तो ये कोल्ड और कफ दूर करने में भी हेल्प करती है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। रेडिश का जूस 1 गिलास अगर आप डेली पियेंगे तो स्किन बहुत ग्लो करती है और हेल्दी रहती है। रेडिश का पेस्ट बना के अगर फेस क्लीन के लिए भी यूज़ करें तो वो भी बहुत स्किन के लिए अच्छा होता है। रेडिश की भी इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर ली है और ये 7 to 8 थी जो मैंने इसमें बाउल में डाली है। अब ये श्रेडेड कैरेट थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इसमें। वाइट अनियन इसके भी इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेने। हाफ लेमन इस तरह से इसका जूस निकाल लेना। पेपरिका पाउडर, सॉल्ट। अब इस सबको मिक्स करना है अच्छे से और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डालेंगे इस तरह से। ये यमी मज़ेदार सी रेनबो सैलेड तैयार है। इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये मज़ेदार सी बहुत ही हेल्दी सैलेड बिल्कुल रेडी। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अगर आपको पसंद आती है तो अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।